दोस्तों नमस्कार, वीएच न्यूज़ देख रहे हैं आप। दोस्तों, कश्मीर फाइल्स को लेकर विवाद लगातार गहराता चला जा रहा है। हालांकि लग रहा था कि जैसे जैसे ये कमाई करेगी थोड़ा मामला शांत होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। और यही वजह है कि अनुपम खेर से लेकर विवेक अग्निहोत्री हर किसी को सवालों के जवाब बार बार देने, और इन सब के बीच राजनीति भी इस पर बेहद हावी हो चली है। हालांकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर विवाद ये थमता नजर नहीं आ रहा। इसमें एक नया मोड़ तब आ गया जब एक वीडियो सामने आया। पहले जरा ये वीडियो देखिए। आप बुकिंग दो दिए, मतलब पहले बुक किया ना ओयो से रूम, तो ओयो ने ले लिया। अब आप यहां पे चेक इन के टाइम बोल रहे हो कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मतलब जम्मू कश्मीर की आईडी आप क्यों एक्सेप्ट नहीं करोगे यहाँ पे। मैं सिंगल पर्सन आया हूँ यहाँ पे, है ना, आईडी दे रहा हूँ अपनी, आधार कार्ड दे रहा हूँ। चलो आधार कार्ड नहीं मानोगे, पासपोर्ट दे दूंगा। पासपोर्ट भी ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर की होगी, तो क्यों एलो नहीं करोगे, जम्मू कश्मीर की आईडी क्यों नहीं करोगे। होटल पुलिस इंटेंट है ना ये जहांगीरपुरी में, रीजन होगा ना कोई, बाकी कुछ नहीं है। मतलब जम्मू कश्मीर की आईडी क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हो, आधार कार्ड है मेरा पूरा यहाँ पे। मैम बताओ ना, गर्मी हो रही है बहुत, जाना है। अब आप अलो नहीं कर रहे हो तो बताओ क्यों नहीं कर रहे हो। पूछो रीजन क्या है, बाकी कुछ पुलिस वालों ने मना किया, जाएंगे पुलिस स्टेशन में। ठीक है, चलिए मैं उनसे बात करूंगी। पब्लिक डोमेन में आया तो उसके बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर सवाल उठने शुरू हो गए, और ये सवाल किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि जाने माने रेडियो जॉकी ने उठाए। रेडियो जॉकी जो कि नाम है साइमा का, जिन्होंने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा दिस इज ऑन एट द रेट विवेक अग्निहोत्री, यानी कि ये उनको दिखाने के लिए ट्वीट किया गया। दरअसल इस वीडियो में कश्मीरी शख्स दिल्ली के एक होटल में कमरा लेने के लिए आता है, पर ऑनलाइन पहले से बुकिंग करता है, लेकिन उसको कमरा नहीं दिया जाता और ये कहा जाता है कि दिल्ली पुलिस ने मना किया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से भी सफाई आ चुकी है, और दिल्ली पुलिस ने इसमें सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर पर ट्वीट करके सफाई दे दी है कि हमको बेवजह बदनाम करने की कोशिश की गई, ऐसा निर्देश हमने नहीं दिया। उधर दूसरी तरफ ओयो रूम्स की ओर से भी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है, और उसमें बताया जाता है कि ओयो रूम्स की वेबसाइट से इस होटल के नाम को हम हटा रहे हैं। हालांकि साइमा की ओर से ये जिक्र करने का मकसद यही है कि विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीरी फाइल्स फिल्म को बनाकर नफरत फैलाने की कोशिश की, और यही वजह है कि उसका जीता जागता एग्जाम्पल दिल्ली में सामने आ गया। जब कश्मीरी शख्स आता है दिल्ली में होटल लेने के लिए और उसको होटल नहीं मिलता, उसको ये कहा जाता है कि कश्मीरियों के लिए होटल नहीं है। बहरहाल, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसको लेकर क्या सोच रहे हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नमस्कार।